आप स्वयं जानते हैं कि आप खुद को भी यह अनुभूति हुई होगी और पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये अनुभूति करते हैं कि जब बात शुरू होती है तो राजस्थान में विशेषकर ये बात आती है कि ये पांच छह जातियां हैं, इनको एडजस्ट किया जाए, इन्हीं पांच छह जातियों के सहारे बाकी लोगों को फिक्स किया जाए। ऐसा राजस्थान की राजनीति में होता है और ये सारी की सारी पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस तो विशेषकर करती ही हैं। देखिए प्रताप जी, ऐसा है, अगर आज मैं बदलाव लाना भी चाहूंगा तो मुझे बदलाव लाने के लिए व्यक्ति चाहिए। अगर मैं आज ये चाहता हूं कि किसी छोटी जाति का प्रतिनिधित्व तो दिया जाए तो मुझे उसके अंदर से ऐसा नेता भी चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं। जब अगर ये कह रहे हैं आप, मैं इनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए, वही तो बात है, छोटी जाति बड़ी जाति। जब ये कह रहे हैं कि भाई अगर सभी लोगों का समावेश होना चाहिए तो समावेश करने के लिए आप में लीडरशिप की क्वालिटीज तो होनी चाहिए। आप ये सोचें कि मैं घर के ऊपर बैठा हूं और मेरी जाति का उस समाज का अगर वर्चस्व है तो मुझे पार्टी आगे टिकट देगी, ऐसा नहीं होता है। आपको समाज के अंदर काम करना पड़ेगा, सभी समाजों के अंदर। आज जब भी सभी लोग बात करते हैं, 36 कौमों की बात करती है। कांग्रेस ने क्या किया, अगर मैं उसकी बात करना शुरू करूंगा तो कांग्रेस ने इस देश के अंदर जातिवादी व्यवस्था को इतने आगे तक पहुंचा दिया कि आज हमको उसको रिवर्स करने के लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाने पड़ रहे हैं।